हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों चार बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज को शोकॉज नोटिस भेजा गया है सरकार की तरफ से। ये चार बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? टीवीएस, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी एंड हीरो मोटोकॉर्प। अब इन चार में से तीन कंपनीज दोस्तों ऐसी हैं जो इस समय पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट को लीड कर रही है। कौन कौन सी कंपनीज? TVS जो कि दूसरे नंबर पर है, एथर एनर्जी जो कि तीसरे नंबर पर है, एंड ओला इलेक्ट्रिक आप लोग सब जानते ही हैं कि पहले नंबर पर है पिछले काफी महीनों से। तो ये तीन बड़ी कंपनीज हैं। अब देखिए ये जो नोटिस भेजा गया है क्यों भेजा गया है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ समय पहले सरकार ने काफी सारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज को मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी थी। अब ये जो सब्सिडी की मैं बात कर रहा हूँ, फेम टू सब्सिडी की बात यहाँ पर हो रही है। तो फेम टू सब्सिडी पर रोक लगा दी गई थी काफी सारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज पर। अब देखिए मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 300 करोड़ का सब्सिडी स्कैम किया गया है, सामने आया है ऐसी खबर थी। और वो 300 करोड़ का जो सब्सिडी स्कैम था वो उसमें चार कंपनीज का नाम आया था। उनमें कौन सी चार कंपनी थी जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ? हीरो मोटोकॉर्प, TVS, एथर एनर्जी एंड ओला इलेक्ट्रिक। तो इन चारों कंपनीज का नाम उस स्कैम में आया था। तो इसी स्कैम के तहत दोस्तों ये शो कॉज नोटिस भेजा गया है इन कंपनीज को कि आप बताइए कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। अब देखिए अगर इन कंपनीज ने अभी तक जवाब दिया है या नहीं दिया इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन देखिए अगर इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो सबसे पहले इनकी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। सब्सिडी खत्म करने के बाद और भी कुछ एक्शंस इनके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों सब्सिडी खत्म कर दी गई तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जो सेल है उसमें गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज की सब्सिडी खत्म कर दी जा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से सेल में हमें गिरावट देखने को मिली है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 7,26,000 कुछ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स टोटल बिके हैं इंडिया में पिछले एक साल में, और ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात मैं कर रहा हूँ। एंड SMEV ने कहा कि जो हमारा कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो आइडिया था, जितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिकने का आइडिया था या उम्मीद थी उससे कम बिके हैं। एंड उसका रीजन वही रहा है कि सरकार ने काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज की सब्सिडी पर रोक लगा दी है। अब ये सब्सिडी स्कैम है क्या, एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए सरकार की ये जो फेम टू स्कीम है इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी दी जाती है। एंड जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों वो सिर्फ उस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को दी जाएगी जिसकी कीमत 1.5 लाख या उससे कम होगी। 1.5 लाख से ऊपर वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। एंड ये जो 1.5 लाख की कीमत तय की गई है दोस्तों ये पूरे पैकेज की तय की गई है। पूरा पैकेज क्या है वो भी एक बार समझ लीजिए। देखिए एक मेन प्रोडक्ट होता है यानी कि स्कूटर हुआ या मोटरसाइकिल हुई, उसके साथ आने वाली जो भी एसेसरीज होती है, मान लीजिए कि चार्जर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई स्टैंड हो गया या कुछ भी A to Z हुआ, ये पूरा पैकेज होता है। तो जो फेम टू स्कीम में वो यही है कि पूरा पैकेज आपका 1.5 लाख का होना चाहिए तब आपको सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जो चार कंपनीज का नाम इसमें आया है स्कैम में, इन कंपनीज ने क्या किया कि अपना जो मेन प्रोडक्ट है जैसे कि स्कूटर, तो उसकी कीमत तो इन्होंने 1.5 लाख से कम रखी, लेकिन जो चार्जर है या सॉफ्टवेयर वगैरह उसका चार्ज इन्होंने अलग से किया, यानी कि कीमत चली गई 1.5 लाख से ऊपर, लेकिन मेन प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 1.5 लाख से कम ही रही ताकि सब्सिडी उनको मिल सके सरकार की तरफ से। तो सरकार का यही कहना था कि आपका जो आपकी जो कीमत है 1.5 लाख वो पूरे पैकेज की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपके मेन प्रोडक्ट की, एंड आप एसेसरी का अलग से चार्ज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए सरकार के नॉलेज में बात आई कि ये कंपनी स्कैम कर रही है। तो 300 करोड़ का स्कैम सामने आया कि 300 करोड़ का ये फायदा उठा चुकी हैं ये कंपनीज। तो इस तरह की बात थी दोस्तों, ये पूरा सब्सिडी स्कैम था। अब देखिए इन कंपनीज ने अभी तक नोटिस का जवाब दिया नहीं दिया उसकी कोई खबर नहीं है, बट जल्दी ये कंपनी इसका जवाब भी दे देंगी। अब देखिए इंडिया में करीब 50 ऐसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती हैं, जिनमें से 20 से 21 कंपनीज ऐसी हैं जो कि एलिजिबल हैं फेम टू स्कीम के तहत सब्सिडी लेने के लिए। एंड जिनमें से 16 से 18 कंपनीज दोस्तों ऐसी है जिनकी सब्सिडी पर ऑलरेडी सरकार रोक लगा चुकी है। अब उनमें से कुछ 5-6 कंपनीज ऐसी बचती हैं जिनकी सब्सिडी पर रोक अभी नहीं लगी गई है, लेकिन उनमें से भी ये चार कंपनीज मेन कंपनीज बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी सब्सिडी पर अब तलवार लटकती नजर आ रही है।
अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को ऐसी कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एंड अगर ऐसी कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो उससे क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स पर फर्क पड़ेगा, एंड पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।